तो क्या वाकई मायावती सीबीआई और ईडी से डरी हुई हैं और इसलिए 370 पर सरकार का समर्थन कर रही हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने मायावती को लेकर जो बयान दिया उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। आर्टिकल 370 पर सरकार का समर्थन और राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे पर मायावती की ओर से उठाए गए सवालों के बाद से ही पूछा जाने लगा था कि क्या मायावती ईडी और सीबीआई के जांच से डरकर सरकार का समर्थन कर रही हैं। अब योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने साफ तौर पर कह दिया है, हो न हो असली वजह यही है और उनको ऐसा लगता है उसी की वजह से वो उनके सुर बदले हुए हैं। दरअसल बीएसपी के शासन में हुए 21 चीनी मिलों के सौदे में 1100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां कर रही हैं और माना यही जा रहा है कि अगर जांच का दायरा बढ़ा तो आंच मायावती तक भी पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट में स्मारक घोटाले के मामले में भी सुनवाई जारी है। इसके अलावा मायावती के भाई आनंद कुमार पर बेनामी संपत्ति रखने का भी आरोप है। इसको लेकर हुई कार्रवाई में आयकर विभाग नोएडा में आनंद कुमार का 400 करोड़ रुपए का प्लॉट तक जब्त कर चुका है। इसके बाद से ईडी ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है और इन्हीं केस को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल मायावती पर ईडी और सीबीआई से डरकर सुर बदलने के आरोप लगा रहे हैं। मायावती जी को स्पष्ट ये भी करना चाहिए कि सीबीआई है, ईडी है, वो तो नहीं दबाव डाल रहे हैं। हालांकि राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे जीएस धर्मेश, मायावती को लेकर जो उन्होंने आगे कहा उसने विवादों को जन्म दे दिया। तीन बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है, लेकिन वो किसी की सगी नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, उनसे लाभ ले लिया, खुद जीरो पे थी, लोकसभा में 10 तक पहुंच गई, अब वो 5 तक सिमट गए, परिवार के 3 लोग उनके हार गए समाजवादी पार्टी के। तो इस वजह से वो जो उनको छुएगा, बैजी को जो छुएगा वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वही मरेगा। अब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा, 2005 में बीजेपी से गठबंधन क्यों टूटा था, उसकी असल वजह क्या थी, क्या वाकई बीएसपी अध्यक्ष मायावती ईडी और सीबीआई से डरी हुई हैं, ये अब तक साफ नहीं है। अलबत्ता योगी सरकार में मंत्री जीएस धर्मेश ने जो बयान दिया है उस पर राजनीतिक संग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।